ABC are in GP. First question is, if ABC are in GP, yes, beta, bataiye. Sir, lecture record करें. Yes, beta, वो record हो रहा है. Okay, beta. तो बच्चों ABC आपके पास GP है और आपके पास एक relation दिया हुआ है. Relation है a की पावर 1 बाय x इज इक्वल टू b की पावर 1 बाय y इज इक्वल टू c की पावर 1 बाय z. ये स्कूल में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट x y z इन ap. तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी लगाई होगी तो उन्होंने ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया भी होगा. तो अब हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन तो काफी इजी है. क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर कट लिखा हुआ है कि ए बी सी आर इन जी पी, देन ए की पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू बी की पावर 1 बाय वाई इज इक्वल टू सी की पावर 1 बाय जेड. ये एक रिलेशन गिवन है. प्रूफ करिए एक्स वाई जेड इन ए पी. आपको प्रूफ करना है एक्स वाई जेड ए पी में. तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो रिलेशन लगातार ये इक्वल का साइन दिया हुआ है, जैसे आपके पास दिया है ए की पावर 1 बाय एक्स is equal to b की पावर 1 by y is equal to c की पावर 1 by z. ये सारे टर्म्स इक्वल है. इसको किसी के इक्वल मान लो, जैसे लैम्डा या k, किसी के भी इक्वल मान लो. लेट्स से हमने इसको लैम्डा मान लिया. लैम्डा कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी हो सकती है. तो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे a की पावर 1 by x is equal to लैम्डा और b की पावर 1 by y is equal to लैम्डा और c की पावर 1 upon z is equal to लैम्डा. आप इस तरह से लिख सकते हो. ठीक है. तो बच्चों अगर आप जिस तरह से स्क्वायरिंग करते हैं, जैसे a की पावर 1 बाय x लैम्डा है, तो आप दोनों तरफ पावर में x करेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा की पावर x, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा की पावर y और c क्या आ जाएगा लैम्डा की पावर z आ जाएगा. तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा. आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए इजी ही होगा. ए बी सी जीपी में गिवन है ऑलरेडी और नंबर्स अगर जीपी में लिखे रहते हैं तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में ऑलरेडी बताया गया है कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए इनटू सी के. ये सभी बच्चों को पता है कि अगर एबीसी एपी में होते हैं तो आप प्रूफ करते हैं टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, और अगर आप एबीसी जीपी में लिखते हैं तो आप हमेशा लिखते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. ठीक है ना, सभी बच्चों को ये पता है. तो बी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए. क्या है ये, लेमडा की पावर वाई का स्क्वायर, a की वैल्यू लैम्डा की पावर x और c की वैल्यू लैम्डा की पावर z, ये मैंने पुट कर दी. तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया लैम्डा की पावर 2y इज इक्वल टू लैम्डा की पावर x प्लस z. तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए. अब बच्चों इस रिलेशन को देख करके हर कोई बता सकता है कि अगर दो नंबर्स इक्वल हैं, उनका बेस भी इक्वल है, तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी. दैट मींस 2y इज इक्वल टू x प्लस z. तो इसका मतलब अगर 2y is equal to x plus z आता है तो x, y, z किस में होते हैं, x, y, z AP में होते हैं. तो ये बच्चों क्वेश्चन फिनिश हो चुका है. अगर किसी को डाउट हो तो वो दोबारा हमसे पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. और आप रिकॉर्डेड क्लास के चक्कर में मत रहा करिए, क्योंकि आपको जो लाइव क्लास में समझ में आएगा वो रिकॉर्डेड क्लास में कम समझ में आएगा. और रिकॉर्डेड क्लास एक घंटे तक अगर आप देखेंगे तो लगातार आप उसको देख नहीं पाएंगे, आप बैठ नहीं पाएंगे एक घंटे तक लगातार, आपका टाइम अलग वेस्ट होगा. ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी, आपको करना है शो, दैट मीन्स शो दैट एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए और जेड की पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू वन. तो ये भी बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा बार आपसे पूछा जाता है कि अगर ए बी सी ए पी में है, एक्स वाई जेड जी पी में है, तो आपको ये रिलेशन प्रूव करना है कि ये वन के इक्वल आएगा. तो बच्चों क्वेश्चन की स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे आप करते आए हैं. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि ए बी सी इन ए पी,
तो ए बी सी इन ए पी, तो दैट मीन्स आप क्या जानते हैं इसके लिए, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी आप ये यूज कर सकते हैं क्योंकि ये गिवन है। उसी तरीके से आपके पास गिवन है कि एक्स वाई जेड जी पी में, अगर एक्स वाई जेड जी पी में है तो आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड लिख सकते हैं ना, मतलब ये आप यूज करना है आपको। अब बच्चों देखो, जो प्रूफ करना है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। प्रूफ में है एक्स की पावर बी माइनस सी और वाई की पावर है सी माइनस ए, और वाई क्या है, वाई है आपका अंडर रूट एक्स जेड। देखिए वाई आपका क्या है, अंडर रूट एक्स जेड आ जाएगा यहां से, और वाई की पावर क्या है, सी माइनस ए। बोलो भाई सभी को क्लियर है यहां तक। उसके बाद जेड की पावर क्या है, जेड की पावर है ए माइनस बी। तो आपको जो प्रूफ करना है उसको मैंने अभी लिखा है सिर्फ, और कुछ नहीं किया है। अब आप धीरे धीरे टर्म्स कलेक्ट करिए, क्योंकि आप देखेंगे बेस में आपके पास एक्स और जेड के अलावा कुछ नहीं है। तो बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स की पावर बी माइनस सी, और रूट एक्स का मतलब पावर में हाफ हो गया, तो ये हो गया सी माइनस ए डिवाइड बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर में। जेड की पावर में लिख सकते हैं सी माइनस ए डिवाइड बाई टू, ये जेड की पावर में भी लिख सकते हैं, इंटू जेड की पावर ए माइनस बी। तो यहां तक सारे टर्म्स बच्चों को क्लियर होंगे। अब आप देखिए बेस से मैं तो पावर आप ऐड कर दीजिए, यानी एक्स की पावर हो गया बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई टू, ठीक है, इंटू जेड की पावर क्या है, सी माइनस ए डिवाइड बाई टू प्लस ए माइनस बी। तो यहां तक अभी तक सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे होपफुली। तो एक्स की पावर भी आपको क्लियर हो चुकी है, जेड की पावर भी क्लियर है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए जरा पावर पावर में। जब आप पावर पावर में एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो आपके पास आएगा एक्स की पावर टू बी टाइम्स माइनस ए प्लस सी, अब चेक करिए यही आ रहा है, और जेड की पावर आएगा सी प्लस ए टाइम्स माइनस टू बी। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आपके पावर जो पावर आएगी वो आपकी यही बन करके आएगी। तो एक्स की पावर आएगी टू बी माइनस टाइम्स ए प्लस सी, और जेड की पावर सी प्लस ए टाइम्स माइनस टू बी। अब बच्चों आप यहां पे क्लियर कर लीजिए खुद ही ऊपर से जो गिवन रिलेशन था उसको देख करके, जो ए प्लस सी है वो टू बी है, तो ए प्लस सी को टू बी लिखेंगे तो एक्स की पावर जीरो हो जाएगा, और सी प्लस ए वो भी टू बी है, तो सी प्लस ए को टू बी लिखेंगे तो टू बी माइनस टू बी वो भी जीरो हो जाएगा। और किसी की भी पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। इसका मतलब जो आपको प्रूफ करना था वो बहुत आप इजिली प्रूफ कर चुके हैं, उसमें मतलब कोई भी ऐसा रफ एंड टफ रूल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये दो क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सभी बच्चों को। इन दो क्वेश्चंस में अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू एन टर्म्स। Find the sum of series up to n terms. N terms तक आपको सीरीज का सम निकालना है। This is 1 cube upon 1 plus 1 cube plus 2 cube upon 1 plus 3 plus 1 cube plus 2 cube plus 3 cube whole divided by 1 plus 3 plus 5 plus dot 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 dot। बच्चों ये सीरीज दी है, इस सीरीज का एन टर्म्स तक सम निकालना है, ठीक है। तो अब बच्चों ये शायद क्वेश्चन आपने किया भी हो, क्योंकि सभी के पास ये पैकेज में भी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की मिसलेनियस में भी क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका आपको क्या बताया गया, आपको तरीका ये बताया गया कि पहले हम लोग nth टर्म या rth टर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, nth टर्म या आरथ टर्म लिखते हैं। तो बच्चों अगर हम इस सीरीज का एनथ टर्म लिखेंगे, मतलब इस सीरीज को अगर हम लिखते चले जाएंगे तो सबसे आखिरी टर्म क्या आएगा, तो मैं आखिरी टर्म लिखता हूं ऐसे डॉट 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 करके, ये देखो मैं आखिरी टर्म लिख रहा हूं। तो आखिरी टर्म आएगा बच्चों उसका, ये निकल के आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरह से चलता चला जाएगा। आखिरी टर्म यानी कि एनथ टर्म क्या होगा, वो एन क्यूब मान लिया। बोलो भाई समझ में आया, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, आखिरी टर्म क्या होगा, जैसे 1 2 3 का लास्ट टर्म क्या होता है, n होता है, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब इसका आखिरी टर्म क्या होगा, n क्यूब होगा।
उसी तरीके से बच्चों 1 + 3 + 5 ये भी एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, और इस एपी का nth टर्म क्या होगा? इस एपी का nth टर्म होगा 2n-1। तो यहां तक सभी बच्चे पहले ध्यान दें कि उनको ये nth टर्म क्लियर है कि नहीं, क्योंकि 1³ + 2³ फिर 1³ + 2³ + 3³ फिर इसके आएगा 1³ + 2³ + 3³ + 4³, तो nth टर्म में क्या होगा 1³ + 2³ + 3³ up to n³। वैसे ही आपको डिनोमिनेटर भी क्लियर होगा, इस डिनोमिनेटर का जो nth टर्म होगा वो 2n-1 होगा, और nth टर्म निकालने नहीं आता तो ap का nth टर्म आप यूज करिए a + n-1 × d, उसमें a डाल दीजिए 1, d डाल दीजिए 2, आपका nth टर्म आ जाएगा 2n-1। तो मेरे ख्याल तक यहां पर सभी बच्चों को क्लियर होगा कि इसका nth टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो nth टर्म लिखने के बाद अगर हम nth टर्म देखें तो nth टर्म में जो ऊपर क्या लिखा हुआ है वो है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और उसकी वैल्यू आपको बताई गई है, वो होती है 1/4 n² n+1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आप पहले से जानते हैं कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उनका जो क्यूब होता है वो होता है 1/4 n² n+1 का होल स्क्वायर। और बच्चों जो सीरीज नीचे लिखी है डिनोमिनेटर में 1+3+5 और उसका nth टर्म क्या है 2n-1, तो बच्चों इस सीरीज का भी सम आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसका nth टर्म आप लिखे हैं तो nth टर्म है इसमें। भाई यहां तक क्लियर है कि नहीं? न्यूमरेटर आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि अब मैं डिनोमिनेटर लिखने जा रहा हूं, तो डिनोमिनेटर में n टर्म्स तक लिखा है तो आप सबसे पहले लिखेंगे n/2। भाई डिनोमिनेटर में आपने n टर्म्स तक लिखा है और उसका nth टर्म की वैल्यू क्या है 2n-1 है, तो आप डिनोमिनेटर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एक एपी के सम से। तो एपी का सम क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक फॉर्मूला होता है, आप उसको डायरेक्टली यूज कर लीजिए, ये एपी का सम हो जाएगा। तो सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए क्योंकि वो डिनोमिनेटर को देख के कंफ्यूज होते हैं, उनके मन में ये आता है कि 2n-1 टर्म्स है, अरे ये 2n-1 टर्म्स नहीं है, ये nth टर्म है, और nth टर्म में 1+3+5 इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा 2n-1, तो 2n-1 इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा हमसे कह रहा था कि ये जो 2n-1 है ये 2n-1 टर्म्स तक आपने लिखी है तो आप n की जगह 2n-1 डालिए, ऐसा नहीं है भैया, मैंने इस सीरीज का nth टर्म लिखा हुआ है तो nth टर्म में nth टर्म की वैल्यू क्या है उस सीरीज में 2n-1। तो आप ap का सम तो जानते ही है ना क्या होता है n/2 a+l, तो हमने इसको यूज कर लिया और इस सीरीज का सम लिख दिया। और अगर आप ap का दूसरा वाला फॉर्मूला सम का यूज करेंगे तो उससे भी हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d, उसको भी यूज कर सकते हैं, जहां पर a आपका क्या है 1 है, d आपका क्या है 2 है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने nth टर्म पे आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया, तो ये इस सीरीज का nth टर्म है। अब बच्चों इस nth टर्म को जरा सिंपलीफाई करो, ये क्या आ रहा है, इसको ऊपर नीचे काटो सिंपलीफाई करो, तो नीचे से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ नीचे बचेगा n² और n² से n² ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ध्यान से देखिए आपके पास nth टर्म निकल करके आ चुका है। nth टर्म को आप क्या कहते हैं, nth टर्म को आप rth टर्म भी कहते हैं, तो rth टर्म क्या है r+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब बच्चों आप करना क्या चाहते हैं, इस सीरीज का सम निकालना चाहते हैं, यानी कि आप t1+t2+t3+t4+t5 up to tn ये सम निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे दोनों तरफ समेशन लेंगे। जैसे ही बच्चों हम दोनों तरफ समेशन लेंगे r जाएगा 1 से लेकर के n तक, तो ये प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको समझा रहा हूं, और बहुत ही कम पता है तो आप उसको समझने की कोशिश करिए। तो देखिए बच्चों इस तरीके से मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, सम ले लिया, सम का मतलब क्या ले लिया, दोनों तरफ मैंने समेशन ले लिया। तो समेशन लेने का मतलब क्या है, जब हम r1 डालेंगे तो t1 आएगा, 2 डालेंगे तो t2 आएगा, 3 डालेंगे तो t3 जाएगा। भाई सम कैसे बनेगा, पहले टर्म प्लस दूसरे टर्म प्लस तीसरे टर्म सबको सम करने भी तो बनेगा, तो उसको मैंने डायरेक्टली समेशन से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। और इस समेशन को आप ओपन करना जानते हैं, खोल दीजिए इसको, r² + 1 + 2r, और आपको ऑलरेडी बताया गया है कि इस समेशन को आप ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन में आपको पढ़ाया गया है। तो बच्चों जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा 1/4 समेशन r स्क्वायर
प्लस 1/4 समेशन 1 प्लस 2/4 टाइम्स समेशन r। अब बच्चों सारे समेशन की वैल्यूज आप जानते हैं, और अगर कुछ बच्चे यहाँ क्लास में नए हैं बिल्कुल, तो वो समेशन की वैल्यूज को लर्न कर लें। समेशन r स्क्वायर होता है 1/6 n n plus 1 2n plus 1, और बच्चों 1/4, और बच्चों समेशन जो 1 होता है वो n होता है। 1 का समेशन क्या होता है? n होता है। अगर किसी बच्चे को न क्लियर हो कि 1 का समेशन n क्यों होता है तो वो मेरे को बताए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। और 2/4 हो गया 1/2, और समेशन r होता है 1/2 n n plus 1। तो बच्चों मैंने सीरीज का सम निकाल लिया, और सम निकालने के बाद भी अभी कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उसको सिंप्लीफाई कर नहीं कर पाते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करना होगा, जरा आप ध्यान दीजिए। पूरी सीरीज में देखिए, जो आपने अभी लिखा है एक्सप्रेशन, उसमें 1/4 पूरे में कॉमन है, तो 1/4 आप कॉमन ले लीजिए, और n भी कॉमन है, n भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? 1/6 n plus 1 2n plus 1, n by 4 आपने कॉमन ले लिया, तो ये बचा n plus 1, सिर्फ इतना बचा। अब बच्चों उसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करके अगर फैक्टराइज हो रहे हो तो फैक्टराइज कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से फैक्टराइज नहीं होगा। जब आप अंदर वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आती है n अपॉन 24 टाइम्स 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। और बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप सिर्फ यहां तक भी लिख सकते हैं तो भी आपको आंसर में नंबर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसके ऊपर वाले स्टेप तक लिखा है तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोग के पीछे से आंसर मैच नहीं करते हैं, तो आप लोग के पीछे से आंसर मैच नहीं करते हैं, तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से ये निकल करके आएगा। ओके, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये मिसलेनियस सीरीज का क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का। अभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरे को बताए, किसी समेशन में प्रॉब्लम हो, समेशन ना पता हो तो मेरे को बता दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगेन वही सेम हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज। तो सीरीज का सम कैसे निकालेंगे? पहले है 1 स्क्वायर, फिर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे, आपको याद आ गया होगा कि ये सीरीज कौन सी है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया होना चाहिए पहले भी। इस तरह से ये सीरीज चल रही है। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन सब आपको ऑब्वियस लगने चाहिए, बहुत टफ नहीं होते हैं, क्योंकि पहला टर्म क्या है आप ध्यान दीजिए, 1 स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तीसरा टर्म क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। चौथा टर्म क्या होगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। nth टर्म क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका nth टर्म होगा। सबको क्लियर हो गया? अगर आपको डाउट लगता है कि आपका nth टर्म गलत निकला है, बाय द वे हो सकता है आपको डाउट लगे, तो आप nth टर्म में n की जगह 1 डाल करके अपनी वैल्यूज चेक कर लिया करिए कि पहला टर्म आ रहा है कि नहीं, n की वैल्यू 2 डालने पर दूसरा टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो इस सीक्वेंस का मैंने nth टर्म अभी आपके सामने लिखा है, दिस इज द nth टर्म, लेकिन आप जानते हैं कि इस nth टर्म का सिंपलीफाइड फॉर्म में वर्जन क्या होता है, क्योंकि ये जो nth टर्म है वो क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो आप nth टर्म को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/6 n n plus 1 2n plus 1। अब इस बच्चे का, कुछ लोगों ने मेरे को सॉल्यूशन भेजा था, तो वो हमसे कहते हैं कि सर ये सम तो निकल आया, आप दोबारा सम क्यों ले रहे हैं? अरे भैया ये सम थोड़ा ना निकला है अभी, ये तो हमने इस सीरीज का nth टर्म लिखा है। nth टर्म क्या है? nth टर्म इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो अभी मैंने कोई समेशन नहीं लिया है, ये तो मैंने nth टर्म डिफाइन किया। और अगर nth टर्म आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप इसमें n की जगह 1 डालो, देखो 1 आ रहा, n की जगह 2 डाल लो, देखो 5 आ रहा है,
चेक कर लो, आप क्रॉस चेक कर लो। तो बच्चों ये आरथ टर्म क्या हो गया, आरथ टर्म भी आप लिखिए 1/6 आर आर प्लस वन टू आर प्लस वन। हम आर के टर्म्स में इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि हमें आर को वेरी कराना होता है वन से लेकर के एन तक, हमें आर को वेरी कराना होता है वन से लेकर के एन तक, क्योंकि जब टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन तक आएगा तभी तो उसका सम माना जाएगा। तो बच्चों अब हम इसमें क्या लेंगे, हम इसमें दोनों तरफ समेशन लेंगे, तो ये बन जाएगा समेशन टी आर, समेशन 1/6 बाहर कर लेते हैं आर आर प्लस वन टू आर प्लस वन। और आर कहां जा रहा है, वन से लेकर के एन तक, आर जा रहा है वन से लेकर के एन तक। अब बच्चों हम बार बार आर की वैल्यू लिखते थोड़ी नहीं है, तो ऑब्वियस है। तो बच्चों ये बन जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। और बच्चों ये 1/6 टाइम्स, इस समेशन को आप भले ब्रेक कर दीजिए तो ये कितना आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करके ब्रेक करिए, पहले मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू टू आर प्लस वन, यानी ये बना है टू आर क्यूब प्लस थ्री आर स्क्वायर प्लस आर। आप इसको मल्टीप्लाई करिए आराम से, यही आएगा। उसके बाद बच्चों आप समेशन ले लीजिए, कैसे आएगा, पहले आएगा 2/6 टाइम्स समेशन आर क्यूब प्लस 3/6 टाइम्स समेशन आर स्क्वायर प्लस 1/6 टाइम्स समेशन आर, ठीक है। तो बच्चों ये क्या बन गया, ओके अभी मैं आप लोग आंसर भेज रहे, मेरा वहां पे ध्यान नहीं जा रहा है, ओके मैं यहाँ पे अभी देख लो बेटा। 1/3 समेशन आर क्यूब, ये हो जाएगा 1/4 एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 1/2 1/6 एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन, ठीक है यहां तक क्लियर हो गया। प्लस 1/6 समेशन आर होता है 1/2 एन एन प्लस वन। तो बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा, अब आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ कॉमन वगैरह निकलेगा। सबसे पहले पहले आपको कॉमन लेना होता है फिर आप सॉल्व करते हैं, तो पहले आप कॉमन जरूर ले लीजिएगा। और ध्यान से देखिए इसमें कॉमन साफ साफ नजर आ रहा है, 1/12 कॉमन है क्योंकि 6 × 2 4 × 3, और क्या कॉमन है, एन इंटू एन प्लस वन, ये सारे टर्म्स में तो कॉमन हो गया, तो अंदर आया एन इंटू एन प्लस वन और 1/12 एन एन प्लस वन कॉमन है, ये बन गया 2n प्लस वन प्लस 1/12 एन एन प्लस वन कॉमन है। तो देखो ये तो बहुत ही जल्दी सिंप्लीफाई हो गया भाई, तो ये हो गया 1/12 टाइम्स एन एन प्लस वन, और एन प्लस वन फिर इसको फैक्टराइज वगैरह करेंगे ब्रैकेट में अंदर जाके, तो एन प्लस वन एक और आ जाएगा और एक एन प्लस टू आएगा। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, अगर आप इसके ऊपर तक कर देते हैं तो वो भी सही है। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन ये वाला अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, तो क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए पूरी तरीके से। अभी आप एक मिनट टाइम ले सकते हैं, टाइम लेकर के देख लीजिए, ना समझ में आए तो मेरे को बताइए। तो बच्चों ये इस तरह से किए जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, अब मैं आपने ओके स्क्रॉल ये लो बेटा, ओके मैं वेट कर ले रहा हूँ शायद। देखिए क्या लिखा है, आपने ये हमसे क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट विल रुपीज 500 अमाउंट्स टू इन 10 इयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक व्हिच पेस एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के हैं तो उनके लिए तो क्वेश्चन काफी आसान है क्योंकि उन्होंने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। लेकिन जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं तो वो एकदम इसको अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो मैं आपको आप ही के तरीके से पहले समझाता हूँ। देखिए पहले आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि हम लोग ने एपी जीपी पढ़ी है और ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन एपी में है, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करने की कोशिश की, जो आप हमको सॉल्यूशन भेज रहे हैं, कई सारे बच्चों ने हमको भेजा भी है, तो आप हमको ऐसे सॉल्यूशन भेज रहे हैं। देखिए मैंने आप ही का सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया, आप क्या लिखते हैं कि सर प्रिंसिपल 500 है,
10 साल के लिए लेना है तो सर हम ऐसा करते हैं कि पहले साल के एंड में निकाल लेते हैं, फिर दूसरे साल के एंड में निकाल लेते हैं अमाउंट, फिर तीसरे साल के एंड में अमाउंट निकाल लेते हैं। तो सर ये जो अमाउंट्स आएंगे ना ये एपी में होंगे। तो ऐसा नहीं है, आप जरा चेक करो, देखिए पहले साल के एंड में अमाउंट निकालिए जरा, आपने 500 लगाए, टाइम वन ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो पहले साल का एंड का अमाउंट निकालने के लिए पहले पहले साल का इंटरेस्ट निकालिए। तो पहले साल का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये सभी लोग जानते होंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी आर टी डिवाइड बाई 100। इससे आपके पास पहले साल का अमाउंट क्या आया है, 550 आया है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, दूसरा ईयर स्टार्ट किया, तो जब आप दूसरा ईयर स्टार्ट करोगे तो उसमें आपका जो पहले साल का अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। चलिए वो आपका प्रिंसिपल बन गया, फिर आपका रेट है, ये आपका टाइम है। फिर आप निकालिए अमाउंट आफ्टर टू ईयर्स क्या है, 605 ईयर है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। सिमिलरली फिर आप इसको प्रिंसिपल बना लीजिए थर्ड ईयर के लिए, और एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकालिए तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा 665। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, जो आप हमको सॉल्यूशन भेज रहे हैं तो उसमें आपने पहले साल के एंड में अमाउंट निकाला वो 550 आया है, दूसरे साल के एंड में अमाउंट निकाला वो 605 आया है, तीसरे साल के एंड में अमाउंट निकाला वो 665 आया है। तो क्या बच्चों ये एपी में है क्या, ये कोई सीरीज एपी थोड़ा ना फॉर्मेशन कर रही है, तो ये क्वेश्चन है नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग मेथड, ये सीरीज एपी है ही नहीं। अगर एपी नहीं है तो आप इस एपी का nth टर्म भी नहीं निकाल सकते। हाँ अगर एपी होती तो आप एपी का nth टर्म निकाल लेते, वो आपका आंसर बन जाता, लेकिन ये एपी है ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर हम लोग तो आईसीएससी बोर्ड के, आईसीएससी बोर्ड में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100n। ये कई बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्टली अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। मतलब आपको अलग अलग साल अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अमाउंट एट द एंड ऑफ एन ईयर्स में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने कहा सर ये तो हमको पता है, हम डायरेक्टली डाल के निकाल लेते हैं, तो डायरेक्टली डालिए तो क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100n। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, आपका आंसर निकल के आया है 500 × 11/10 की होल पावर 10, ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर तो आपने एक ही स्टेप में निकाल लिया, लेकिन क्या आपने इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का भी यूज किया है, नहीं यूज तो नहीं किया। तो उसको सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज करके कैसे करेंगे, ये आपको समझना है। आंसर सभी बच्चों ने निकाल लिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आंसर तो सभी बच्चों ने निकाल लिया, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है 500 × 1.1 की होल पावर 10। लेकिन अगर आप उसको सीक्वेंस एंड सीरीज से करना चाहेंगे तो आप किस तरह से करेंगे वो समझना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100। जो आईसीएससी बोर्ड के यानी मेथडिस्ट वाले बच्चे टाइप के जो भी होंगे उनको ये फॉर्मूला पता होगा, शीलिंग हाउस वाले, ओके। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज से करना हो तो आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए हम इस क्वेश्चन को जनरल वे में कर देते हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं, ध्यान दे रहे ना आप लोग, सभी लोग ध्यान देना। देखिए आप ऐसा कर लीजिएगा, सबसे पहले लेट कर लीजिएगा, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इज एक्स रुपीस, ठीक है। आपने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है, एक्स रुपीस इन्वेस्ट किया है, जैसे आपके क्वेश्चन में एक्स की जगह क्या है 500 है, तो 10% पहले साल में मिलता है इंटरेस्ट, तो 500 का 10% कितना हुआ, 50 रुपए, यानी एट द एंड ईयर आपको कितना मिला 550 रुपए, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना मिला 550 रुपए। अब उस बात को हम जनरलाइज कर दे रहे ताकि आप जल्दी समझ लें। तो आपने बच्चों कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, एक्स इन्वेस्ट किया, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपको कितना मिला, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, मतलब 500 + 500 ऑफ 10%, दैट मींस 50 रुपीज। तो ये क्या है 550 की जगह मैंने क्या लिखा है, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। और बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.1x, क्या बन गया 1.1x, सभी को क्लियर। अब बच्चों क्या मान लो, 1.1x को आप y मान लो, क्या मान लो y मान लो। तो बच्चों अगर ये y है तो y जो होगा फिर से साल के अंत में कितना मिलेगा, y का साल के अंत में कितना बन जाएगा 1.1y,
भाई अगर आप x लगाते हैं तो x का साल के अंत में कितना बन जाता है 1.1x, और अगर आप y लगाएंगे तो y का साल के अंत में कितना बन जाएगा 1.1y, लेकिन आपका y है कितना, y है आपका 1.1x, क्योंकि आपने 1.1 को क्या मान लिया था, आपने 1.1x को मान लिया था y, तो वो साल के अंत में क्या बन जाएगा 1.1y, और y की वैल्यू बच्चों क्या है, y की वैल्यू है 1.1x, यानी बच्चों दूसरे साल के एंड में अमाउंट कितना बना 1.1 का स्क्वायर इंटू एक्स, बोलो समझ में आया। सिमिलरली बच्चों तीसरे साल के एंड में अमाउंट कितना बनेगा 1.1 इंटू क्यूब एक्स, सिमिलरली बच्चों चौथे साल के एंड में अमाउंट कितना बनेगा 1.1 इंटू 4x, देखो बच्चों सीरीज बन गई है। ओके, सभी बच्चों जो हमारी स्क्रीन की तरफ देख लेंगे उनको समझ में आएगा ही आएगा। तो बच्चों देखो आपके पास एक सीरीज बन गई 1.1x, क्या है ये, पहले साल के एंड में अमाउंट, 1.1 का स्क्वायर एक्स दूसरे साल के एंड में अमाउंट। आपको क्या करना है, आंसर पता है आपको क्या निकालना है, कि जो दसवें साल के एंड में अमाउंट होगा वो कितना होगा, यानी ये आपका पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में, यानी कि दसवें साल के एंड में कितना होगा। तो आप दसवां टर्म भैया सीधा लिख लो, तो दसवां टर्म क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस वन, यानी ए क्या है आपका, ए है आपका 1.1x, ए आपका क्या है 1.1x इंटू आर, आर क्या है कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए आपका कॉमन रेशियो आ जाएगा 1.1, तो ए आर की पावर एन माइनस वन, और अगर आप इसको ध्यान से सिंप्लीफाई करें तो 1.1 की पावर 9 और 1.1 कंबाइंड होकर के 1.1 की पावर 10 हो जाएंगे, और आपका आंसर वही आया है जो आपने शॉर्टकट से निकाला था। सभी देख लें बच्चे, ये आंसर वही आया है जो आपने अमाउंट का फॉर्मूला क्लास 10th वाला यूज किया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की होल पावर एन। बोलो समझ में आया, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो मैंने देखिए मैंने किस तरीके से इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज यूज की और उस क्वेश्चन को कर दिया, लेकिन हाँ क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव होगा स्कूल में नहीं आता है तो भैया फिर तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 होल पावर एन। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ऐसा कोई भी एक सिंगल बच्चा हो जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आया तो मेरे को बता दे, मैं कर दूंगा अभी भी। ओके, हर बच्चे को क्लियर है क्वेश्चन ये, तो क्वेश्चन आप बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आता है तो वो हम आपको करा ही देते हैं, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को मे भी पहले भी आपको करा चुका हूं, लेकिन आप जब कर रहे हैं तो आप उसको गलत तरीके से करके दे रहे हैं, इसलिए आप दोबारा एक बार करके चेक कर लो भैया, फिर से हम दोबारा आपको करके बता दे रहे हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन को देखिए, हम दोबारा कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ एस बी द सम, इफ एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, देन प्रूव दैट एस अपॉन आर होल पावर एन इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो बच्चों अभी जितने पता नहीं कितने स्कूल्स में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो डीपीएस हो, एलएन हाउस हो, या मंटोरा पब्लिक स्कूल हो, गुरु नानक पब्लिक स्कूल हो, स्वराज इंडिया, कोई भी टाइप का स्कूल हो, सारे स्कूल्स में ये क्वेश्चन आया ही आया है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को करके चेक कर लो अपना, कोई दिक्कत है तो अभी भी हमको बता दो। इस क्वेश्चन में बस एक ही तरह की समस्या आती है कि आप एस और आर और पी को अगर आप डिफाइन कर ले गए उसके बाद तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एस और आर को फिर डिवाइड करो होल पावर एन करो, वो पी स्क्वायर के बराबर आ जाता है। लेकिन पहले आपको एस आर और पी डिफाइन होने चाहिए, कई लोग डिफाइन ही नहीं कर पाते।
और डिफाइन करते हैं तो बीच में कोई ना कोई ऐसा टर्म लिख देते हैं कि उससे क्वेश्चन में आंसर नहीं मैच करता है। तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को करके बता दे रहे हैं आपको। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा है एस जो है वो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? सम को, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। तो एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ना जानता हो। नहीं जानता है तो भाई मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कोई बच्चा नया भी हो। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज। क्या होगा? ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ऐसी तो लिखते हैं। तो एस को डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम आती है, मैंने आपकी जो कॉपीज चेक की हैं, तो प्रॉब्लम आ रही है आपके पास पी और आर को डिफाइन करने में। पी क्या है? प्रोडक्ट, ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर एन माइनस वन। अब इसमें क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है? अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक बार समझा देता हूं आपको। देखिए बच्चों, अगर ये 2 और 2 दो बार मल्टीप्लाई होता तो आप क्या लिखते? 2 स्क्वायर लिखते। 2 2 2 तीन बार मल्टीप्लाई होता तो आप 2 क्यूब लिखते। 2 2 2 2 4 बार मल्टीप्लाई होता तो आप 2 की पावर 4 लिखते। और अगर n बार मल्टीप्लाई होता तो आप 2 की पावर n लिखते। तो बच्चों यहां पर a क्या है? 2 की जगह है, तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई करके? a की पावर n। क्यों? क्योंकि ये सीरीज n टर्म्स तक लिखी गई है। बोलो समझ में आता है? r r कहां है? सेकंड टर्म से चालू हुआ है, तो r बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी। इसमें आपको अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई। तो p इज इक्वल टू a की पावर n, और r की पावर में क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स नहीं है, n माइनस वन है। तो बच्चों n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? 1/2 n n प्लस वन। तो n माइनस वन का क्या होगा? इसमें n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपका p भी डिफाइन कर दिया, ठीक है? मैंने आपका p भी डिफाइन कर दिया। अब क्या डिफाइन करना है? r। तो बच्चों r डिफाइन करिए। r क्या होगा? R है बच्चों सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स, इस सीरीज के n टर्म्स का रेसिप्रोकल। ये देखिए जो सारे टर्म्स हैं उनके रेसिप्रोकल का सम क्वेश्चन में लिखा है, आप क्वेश्चन पढ़िए। तो R क्या है? अब R इस सम को डिफाइन करिए। तो सम है तो ये सीरीज AP में ही, जिसका कॉमन रेशियो 1/R है। तो कैसे लिखेंगे इसको? आप लिख लो A R की पावर n माइनस वन अपॉन R माइनस वन, ऐसी तो लिखते हैं। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/a टाइम्स 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R इंटू 1 अपॉन R की पावर n माइनस वन, ये बन जाएगा। अब बच्चों देखो आपको करना क्या है, S अपॉन R करना है। तो अगर आप S अपॉन R करेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा S में R की पावर n माइनस वन है, इसमें 1 माइनस R की पावर n है। तो बच्चों आप R को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस कैंसिल कर लो, और ये बन जाएगा 1/a टाइम्स R की पावर n माइनस वन अपॉन R माइनस वन इंटू 1 अपॉन R की पावर n माइनस वन। चेक कर लो आप सभी लोग, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके हम इस तरह से लिख सकते हैं। और बच्चों इसके आगे का काम अब आप ही को करना है, मतलब इतना तो आप कर ही सकते हैं। s अपॉन r को डिवाइड करिए, जो वैल्यू आएगी वो p स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। ये काम आप ही को करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वेश्चन ये करा चुका हूं आपको काफी बार, लेकिन आपने डाउट्स में इतनी बार भेज दिया कि मेरे को ये दोबारा कराना पड़ गया। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू s बाय r होल पावर n, और ये बोर्ड्स में सबसे ज्यादा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको पता ही होगा। अब आप आगे का काम खुद करेंगे, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं करूंगा। अभी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो, मैं दोबारा भी बता दूंगा फिर से। कोई भी एक सिंगल बच्चा हो जिसको लग रहा हो यार अभी भी नहीं हो पाएगा तो बताए भाई, मैं दोबारा बता दूंगा फिर। आप टाइम ले लो, पैनिक कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन है इफ द फर्स्ट एंड nth
term of GP are A and B. A and B. And if P is the product, and if P is the product of first n terms, of first n terms, prove that P square is equal to AB ki whole power n. ये देखिए पीछे वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल लगभग लोग रिसेम्बल समझते हैं, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाता है. जिसको ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पता हो या जीपी के बारे में पता हो तो वो क्वेश्चन कर ले जाता है. तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए. मैं इस क्वेश्चन को करा नहीं रहा हूं लेकिन आपको करना होता है. थोड़ी सी मैं हिंट दे रहा हूं कैसे करेंगे. क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म बी है. तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है ए आर की पावर एन माइनस वन. ठीक है, ये होगा. nth टर्म की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन. तो यहां से r की पावर n माइनस वन आ गया b बाय a. तो r क्या आ गया, r आ गया b बाय a की होल पावर 1 अपॉन n माइनस वन. एक तो आपको ये यूज करना होगा और p को आप डिफाइन कर लीजिए. p को आप डिफाइन करना जानते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे p को डिफाइन करना बताया था. अब आपके पास देखिए वही चीज दोबारा आ गई. तो ये हो जाएगा a की पावर n और r की पावर क्या होता है 1 by 2 n n minus 1. तो बच्चों अब आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा, p square is equal to ab की होल पावर n. ठीक है, तो सभी बच्चे अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं, एक क्वेश्चन छोड़ के आ गए. ठीक है, तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन यहां तक तो क्लियर होंगे आई होप. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी भी. ऐसा कोई बच्चा जिसको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही का डाउट है और वो एनसीईआरटी का ही है. मैं आपके सामने लगा रहा हूं वो डाउट आपका. देखिए ये आपने डाउट भेजा हुआ है. इस तरह के क्वेश्चंस में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन करा रखा है. बस वहां पे डिफरेंस ये था कि जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें A1, A2, A3 अप टू AN तक गिवन था, यहां पर A2N तक गिवन है. और उसमें क्या था कि जो न्यूमिरेटर था, न्यूमिरेटर में था A2 माइनस A1, फिर अगले में था A3 माइनस A2. ये था ना, याद आ गया होगा आपको, न्यूमिरेटर में ऐसा दिया हुआ था. तो बच्चों A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 मैंने बताया था ना कि जब इसको रेशनलाइज करते हैं तो न्यूमिरेटर में A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 ये सब आता है. तो क्या बन जाता था, कॉमन डिफरेंस बन जाता था. उसको डी बना के बाहर ले लेते थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे. बस ये क्वेश्चन थोड़ा ही से तो चेंज है, ये A2N तक दिया हुआ है. तो A2N तक दिया है तो आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें. आप इस तरीके से लिखिए A1, A2, A3, A4 अप टू क्या होता है A2N माइनस 1 A2N. ऐसी तो होगा, बोलो भाई सबको समझ में आया. अब बच्चों क्या होगा, मैंने आपको समझाया था क्या कि एपी में आगे का पहला टर्म और पीछे के पहले टर्म का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, आगे से दूसरा टर्म पीछे से दूसरा टर्म. बोलो समझ में आया, मतलब A1 प्लस A2N किसके बराबर होगा, A2 प्लस A2N माइनस 1 के. समझ में आ गया. और A3 किसके बराबर होगा, A2N माइनस 2 के. मतलब ये जो सम होता है ना, मतलब इक्विडिस्टेंट आगे से और पीछे से उन टर्म्स का जो सम होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है. तो A1 प्लस A2N किसके इक्वल होगा, A2 प्लस A2N माइनस 1 के. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा. तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पे यही तो दिया है क्वेश्चन में, A1 प्लस A2N, A2 प्लस A2N माइनस 1. ये देखिए ये सारे इक्विडिस्टेंट टर्म्स का सम दिया हुआ है. तो बच्चों आप क्या करिए, हर टर्म को आप A1 प्लस A2N लिख दीजिए, हर टर्म को, क्योंकि सारे टर्म्स A1 प्लस A2N किसके इक्वल है,
ए टू प्लस ए टू एन माइनस वन के, ये किसके इक्वल है, ए थ्री प्लस ए टू एन माइनस टू के, तो सब ये इक्वल है ना ए वन प्लस टू एन के, तो सबको ए वन प्लस टू एन लिख दीजिए, मतलब इसको भी ए वन प्लस टू एन लिख दीजिए, इसको भी ए वन प्लस ए टू एन लिख दीजिए, इसको भी ए वन प्लस ए टू एन लिख दीजिए, तो ए वन प्लस ए टू एन पूरे में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद बेटा वही चीज आ गई जो आपको सिखाई थी, अंदर बचेगा वन अपॉन रूट ए वन प्लस रूट ए टू प्लस वन अपॉन रूट ए टू प्लस रूट ए थ्री, और मैंने सिखाया था इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो आपके पास इस तरह के टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे। और बच्चों मैंने आपको कैंसिलेशन का एक बहुत ही आसान तरीका समझाया था कि आप टर्म्स को ऊपर नीचे लिखिए तो आपको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। देखो पहला टर्म क्या है, रूट ए टू माइनस रूट ए वन, दूसरा क्या है, रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू, एनथ क्या है, रूट ए एन प्लस वन माइनस रूट ए एन। और बच्चों ये देखो डायगोनली कैंसिल हो रहा है, ध्यान दो ये देखो डायगोनली कैंसिल हो रहे ना, तो कौन सा बचा, एक ये वाला बच्चा और एक ये वाला बच्चा, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, लिख करके अपना थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करिए, आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ आ जाएगा, और आप इसको देख लीजिए ध्यान से, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको बता दीजिए, आप इसको देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, इसके बाद जो आपको कुछ नहीं करना है, ए एन प्लस वन की वैल्यू डाल दो, ए एन की वैल्यू डाल दो, सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर में जो है रूट ए एन प्लस वन माइनस रूट ए वन है, इसको रैशनलाइज कर लो, नीचे ले आओ तो न्यूमरेटर जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा, और लास्ट में सिंप्लीफाई होकर के आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो भैया दोबारा तो पूछिए। क्वेश्चन है, अ मैन रीपेस अ लोन ऑफ रुपीज 3250 बाय पेइंग रुपीज 20 इन फर्स्ट मंथ and then increases the payment by rupees 15 every month. How long will it take him to clear the loan? तो उस आदमी को 3,250 रुपए का लोन क्लियर करना है। कैसे लोन क्लियर कर रहा है? पहले महीने 20 रुपए दे रहा है और उसकी पेमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है 15 रुपए से, यानी पहले जो मंथ पेमेंट उसने दी है वो 20 रुपए दी है, अगले महीने दे रहा है 20 प्लस 15 यानी कि 35 रुपए, फिर उसके अगले महीने दे रहा 35 प्लस 15 यानी कि 50 रुपए। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, ये जो सीक्वेंस फॉर्मेशन हो रहा है ये किसका सीक्वेंस है, एपी का सीक्वेंस है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 20 और कॉमन डिफरेंस क्या है 15, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये कब तक लोन देता रहेगा ताकि ये जो 15 प्लस क्या है पहले, यानी जो 20 है प्लस 35 है प्लस 50 है, ये ओवरऑल सम होकर के क्या बन जाए, ये सम होकर के बन जाए 3,250। तो मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी कि भैया पहले साल उसकी किस्त कितनी है 20 रुपए, दूसरे साल 35 रुपए, फिर 50 रुपए, ऐसे करके ये कितनी बार किस्त दे ताकि उसका 3,250 रुपए लोन अदा हो जाए। अब आप क्लियर कट समझ गए होंगे, यानी ये जो हर टर्म लिखे हैं, पहला टर्म है 20 फिर 35 फिर 50, इन सब का सम क्या हो जाना चाहिए, हम कितने ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स लें कि इनका सम 3,250 हो जाए। अब आप हिंदी में समझ गए होंगे, आप क्वेश्चन कर लीजिए, आंसर बता दीजिए मेरे को क्या आ रहा है, किसी का आंसर आया हो तो बता दे। ओके तो इस क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं, तो सम ऑफ अमाउंट्स कितना है भाई, सम ऑफ अमाउंट्स कितना है, जितने भी सम ऑफ अमाउंट्स है यानी जो टोटल किस्त होगी उसकी वो होगी 3,250 रुपए, उसको अदा करने है। तो मान लो जो आपकी सीरीज बनी है वो सीरीज क्या है, 20 प्लस 15 35 प्लस 15 50, ऐसे चलती चली आ रही है। तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 20, कॉमन डिफरेंस क्या है 15, तो मान लो ये एन टर्म्स तक देता रहेगा ताकि ये सम कितना हो जाए 3,250 हो जाए। तो बच्चों इस सीरीज का बताओ nth टर्म कैसे लिखेंगे, n by 2 2a plus n minus 1 into d, d कितना है 15 is equal to 3,250। तो अब आप इसको चेक कर लो और सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ क्या आ रहा भाई।
तो ये लोन कितने मंथ में अदा होगा ये आपको बताना है, मतलब एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। होपफुली आपकी एन की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन कोई टफ थोड़ी नहीं है, क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर n की वैल्यू आएगी 20, n की दो वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, तो यहां पर n की वैल्यू 20 आएगी, तो n की वैल्यू 20 आ गई, दिस इज द आंसर। ओके, आप लोग कुछ मैसेज वगैरह कर रहे हो, हम अभी पढ़ नहीं पा रहे, तो n की वैल्यू आएगी 20, ठीक है। सभी बच्चों का ये क्वेश्चन होपफुली हो गया होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पे, ये भी आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आई होप आप लोग ने किया होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, स्क्रीन में लिखा है, क्लियर कट आप भी पढ़ सकते हैं, मेरी जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन है 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। फोर वर्कर्स ड्रॉप द सेकेंड डे एंड फोर मोर वर्कर्स ड्रॉप ऑन द थर्ड डे। मतलब चार चार करके मजदूर कम होते चले जाते हैं, पहले दिन 150 लगे, दूसरे दिन उसमें से चार कम हो गए, यानी कितने हो गए 146, फिर अगले दिन फिर चार कम हो गए, समझ गया, यानी 142 हो गए, फिर अगले दिन फिर चार कम हो गए यानी 138 हो गए, इस तरह से वो वर्कर्स कम होते चले जा रहे। तो 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, फोर वर्कर्स ड्रॉप द सेकेंड डे, फोर मोर वर्कर्स ड्रॉप द थर्ड डे एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता गया। इट टेक्स 8 मोर डेज, अगर चार चार करके लेबर छोड़ती चली गई तो जो काम जिस समय पे पूरा होना था, अगर चार चार करके लेबर छोड़ती गई अपना काम, तो जो काम जिस समय पे पूरा होना था वो उस समय से पूरा ना होकर के उसको 8 दिन ज्यादा लग गए। तो पूछ रहा है कि बताओ वो काम कितने दिन में खत्म हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क हैज कंप्लीटेड। तो ये क्वेश्चन काफी लोगों से नहीं हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप चेक कर लो, खोल के देख लेना। तो ये क्वेश्चन काफी लोगों से नहीं हुआ है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको एक कुछ बातें तो क्लियर होंगी होंगी। अभी मैंने बताया कि भैया पहले दिन कितने वर्कर थे 150, दूसरे दिन चार कम हो गए तो कितने हो गए 146, फिर चार कम हो गए, फिर क्या ऐसे हो गए 146 माइनस 4 यानी 142, यानी बच्चों एक सीरीज बन रही है। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कितना है -4, क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है, और फर्स्ट टर्म क्या है 150। और मान लेते हैं बच्चों इस काम को पूरा करने में जो समय लगता है वो एन डेज लगता है, कितना लगता है एन डेज लगता है, ठीक है ना। तो इस काम को पूरा करने में कितना समय लगता है एन डेज लगता है, तो एन डेज में ये जो किया गया काम होगा वो कैसे लिखेंगे। तो बच्चों अब आपको क्वेश्चन को समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि काफी ज्यादा मैंने वर्किंग इसमें एक्सप्लेन करी है। अगर आप कर रहे हो तो उसका आंसर भी निकाल लो आप, क्योंकि मैं अब इसको ज्यादा नहीं करूंगा, थोड़ी बहुत उसमें थ्योरी आपको स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी पड़ती है, तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ी बहुत थ्योरी भी लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, सपोज द वर्क is completed, ऐसे तो लिखेंगे in n days, in n days, ठीक है। Suppose the work is completed in n days, when the workers started dropping, तो लोग जब छोड़ना चालू करते हैं तो हम मान लेते हैं ये काम n days में पूरा होता है, ठीक है ना। तो चार लोग डेली छोड़ रहे हैं पहले दिन के अलावा,
क्योंकि पहले दिन तो पूरे लोग काम करते हैं लेकिन दूसरे दिन उससे चार कम करते हैं. देयरफोर द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स देयरफोर द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हु वर्क्ड All the n days, ठीक है. Therefore, the total number of workers who worked all the n days is the sum of n terms of an AP with first term is 150 and common difference is minus. तो बच्चों एग्जाम में इस तरह से थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ता है. जो मैंने आपको हिंदी में इतना ज्यादा भी एक्सप्लेन किया ना तो उसको ऐसे बताना पड़ता है कि आपने क्या बोला. तो बताओगे आप बच्चों टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? पहले दिन कितने हैं? 150. दूसरे दिन कितने हैं? 146. तीसरे दिन कितने हैं? 142. चौथे दिन कितने हैं? 138. ऐसे कम होते चले जा रहे. और मान लो ये काम एंड डेज में पूरा होता है तो ये एंड डेज में, मान लो ये नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो ये एंड डेज में ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हमने बताया ना ये मान लो एन टर्म्स है तो ये बच्चों एन टर्म्स तक का सम कितना होगा? मतलब एन दिन तक जो टोटल वर्कर्स काम कर रहे थे वो टोटल वर्कर्स कितने होंगे? 2a + n-1 × d यही तो होंगे या n डेज में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो यही तो होंगे ना भाई. आपको सीरीज का सम निकालना है अप टू n टर्म्स. कौन सी सीरीज? जो मैंने अभी आपको बताई 150 146. पहले दिन कितने थे? 150 थे. ओके, फिर 142, फिर 138, ये अप टू n टर्म्स तक है मान लो सीरीज. तो सीरीज के n टर्म्स का सम क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ही तो रिप्रेजेंट करेगा. तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे बेटा? ये कितने होंगे? इसको सिंपलीफाई करो तो ये मैंने कॉपी में कर लिया, ये इतना आ गया. n टाइम्स 152 माइनस 2 है. बोलो तक समझ में आ गया सबको यहां तक? अच्छा बच्चों, अगर मान लीजिए ये तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए जो n डेज में काम पूरा कर रहे हैं. अब बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी काम आदमी छोड़ता ही नहीं है, मतलब पहले दिन भी 150 लोग काम करते हैं, दूसरे दिन भी 150 लोग काम करते हैं, तीसरे दिन भी 150 लोग काम करते हैं, तो ये 150 लोग कितने दिन तक काम करेंगे? तो तुम कहोगे सर n-8 दिन में कर लेंगे, क्योंकि सर आपने n डेज तो वो माने हैं जब वर्कर काम छोड़ दें. सर आपने n डेज तो वो माने हैं जब वर्कर काम छोड़ रहे हैं. ध्यान से सुनिएगा, सर आपने n डेज तो वो माने हैं जब वर्कर काम छोड़ रहे हैं. तो काम डिले कितने दिन हो, मतलब कितने दिन ज्यादा हो रहा है? 8 दिन ज्यादा हो रहा है. लेकिन हम कह रहे हैं कि मान लो डेली 150 आदमी ही काम करता है, सर आपकी वॉइस आनी बंद हो गई. हेलो,
So your voice is not coming. किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो मेरे को बता दे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके ठीक है बच्चों, आप लोग के ये जो है डाउट्स चल ही रहे हैं, तो मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया। अब बच्चों एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, आपने रिवीजन काफी कर लिया। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। आपको उसकी डोमेन निकालनी है। आप लोग ने कहा था कि आपको डोमेन तो काफी अच्छे से आ गई है, तो इस क्वेश्चन की डोमेन जल्दी से निकाल के दो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे भाई? नॉर्मल सा क्वेश्चन अभी दिया है, कोई हाई फाई टफ क्वेश्चन नहीं है। डोमेन आपको निकालनी है इस क्वेश्चन। जिस बच्चे का आंसर आ जाए वो बिल्कुल बताए मेरे को। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन आपको निकालनी है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया था कि डोमेन निकालने का एक जो तरीका होता है, सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर फंक्शन आपका अंडर रूट में दिया हुआ है तो आपका एफ एक्स तभी डिफाइंड होगा जब अंडर रूट के अंदर वाला टर्म्स क्या होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। बस आप इसको यूज करिए, आपका निकल आएगा। तो इसमें ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेकर के इसको आप ऐसे लिख लीजिए, तो ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके नो 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 ठीक है, हमने ऊपर नीचे माइनस कॉमन लिया है, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं किया। अब बच्चों अगर आपको इसको देख करके कोई बड़ा सा कंसेप्ट याद आ रहा है तो ऐसे मत कर लेना। आप मॉड एक्स ऊपर नीचे सिमेट्रिकल टर्म है, तो मॉड एक्स को आप ए मान लो अभी, और उसको जैसे आप इनइक्वालिटी वगैरह मैंने सॉल्व करना आपको सिखाई, आप इनइक्वालिटी आराम से सॉल्व कर लो, आपसे हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 है और 2 है, तो कैसे मैंने बताया था, चाहे प्लस माइनस, चाहे ऊपर नीचे, जैसे करना चाहे, जैसे आपको आदत है वैसे आप कर लो, प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों आपका ए यहां से क्या आया है, ए आया है लेस देन इक्वल टू 1 यूनियन ए आपका आया है ग्रेटर देन 2। तो मैंने न्यूमिनेटर को जीरो कर सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर को जीरो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब बच्चों यहां पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए। a क्या है आपका, मॉड x। a क्या है आपका, मॉड x। तो बच्चों सॉल्यूशन तो आपका आ गया, इसका सॉल्यूशन तो सभी लोग लिखना जानते हैं कि अगर मॉड x लेस देन a होता है तो x क्या होता है,
माइनस ए से प्लस ए, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन होगा, तो एक्स कहां से लाई करेगा, माइनस वन से प्लस वन, और मॉड एक्स ग्रेटर देन वो होता है, तो इसका आंसर होता है एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से, एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी। तो मैंने आंसर निकाल दिया, किसी बच्चे का देख लो भाई किसी का आंसर आया कि नहीं आया, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी दिया था मैंने। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना होगा, आपके पास जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री, आपको उसकी डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है, डोमेन और रेंज आप इसकी दोनों निकाल लेंगे, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। तो जब बच्चों हम इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालेंगे तो इट्स वेरी इजी, तो यहां पर ये मॉडुलस के अंदर है टर्म, तो मॉड के अंदर कुछ भी रहेगा तो वो हर एक्स की वैल्यू पे कोई ना कोई वैल्यू देता रहेगा, तो डोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल नंबर्स, डोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल नंबर्स। अगर आप इसका ग्राफिकल पैटर्न देख लें तो वो भी देख सकते हैं, मैंने आपको ग्राफ से भी काफी देर तक समझाया था एक बार, लेकिन जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है तो वो इधर ही ध्यान दें, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है अभी भी, तो आपको ध्यान देना है अभी भी इधर ही। तो बच्चों मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, मैंने आपको मॉड एक्स का ग्राफ बताया है, ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है, मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ क्या होता है, ये मॉड एक्स माइनस वन का ग्राफ होता है, मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ क्या होता है, ये मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ होता है, मॉड एक्स माइनस थ्री का क्या ग्राफ होता है, ये मॉड एक्स माइनस थ्री का ग्राफ होता है, याद आ रहा है। तो देखिए मैंने एक ग्राफ बना करके सारे ग्राफ बनाते चला गया, तो पहला वाला ग्राफ जो है ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, तो हम लोग किससे मतलब है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस थ्री से। तो बच्चे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये हर x पर कोई ना कोई वैल्यू देगा, क्योंकि x आप कुछ भी डाल दीजिए, चाहे जीरो डाल दीजिए, चाहे माइनस वन डाल दीजिए, माइनस टू पॉइंट फाइव डाल दीजिए, एफ एक्स हर x की वैल्यू पे डिफाइंड होगा, चाहे आप ग्राफ से देख लीजिए। तो उसकी डोमेन क्या हो जाएगी बच्चों, डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, सारी जो फंक्शन है वो फंक्शन मॉडुलस में, और मॉडुलस की जो वैल्यू होती है हमेशा वो जीरो या जीरो से बड़ी होती है, तो उसकी रेंज जो होगी वो जीरो से इंफिनिटी है। तो ये आपको ग्राफ से भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ में ये पैटर्न बना हुआ है, तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ग्राफिकल पैटर्न से भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ग्राफिकल पैटर्न आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन है इफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, जहां पे मॉड ए क्या है, लेस देन वन है, एंड वाई इज इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी, जहां पर मॉड बी भी लेस देन वन है। आपको करना है प्रूव दैट वन प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ये है एक्स वाई होल डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई माइनस वन। तो बच्चों कभी भी अगर हमारी सीरीज अगर इंफिनिटी में टेंड करती है तो उसका कॉमन रेशियो माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है, मतलब कॉमन रेशियो जो होता है, जैसे पहली वाली सीरीज है, आप इसका सॉल्यूशन देखो आराम से, जैसे पहली सीरीज है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, तो अगर हम इस सीरीज का सम लिखेंगे तो क्या होगा, वो होगा ए अपॉन वन माइनस आर, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी जो होती है, sum of infinite terms of GP होता है a upon 1 minus r,
जहां पे कॉमन रेशियो मैंने आपको सिखा रखा है वो माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए या मॉड आर लेस देन वन होना चाहिए, एक ही बात होती है वो। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने x को डिफाइन कर लिया। अगर बच्चों यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे तो a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आएगी 1 माइनस 1 अपॉन x। सिमिलरली बच्चों आपके पास जो सीरीज दी है वो है 1 प्लस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। इसका भी आप सम लिखेंगे तो आएगा इनफाइनाइट सीरीज है a अपॉन 1 माइनस r। और बच्चों अगर आप यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 अपॉन y। अब बच्चों आपको जो सीरीज प्रूफ करनी है उस सीरीज में देखिए उसका कॉमन रेशियो ए बी है, क्या है ए बी। तो उस सीरीज का बच्चों अगर हम सम लिखेंगे, मतलब ये वाली सीरीज 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस सीरीज का कॉमन रेशियो क्या है ए बी है। तो अगर इस सीरीज का सम लिखेंगे तो क्या आएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। बोलो समझ में आया। अब बच्चों यहाँ ए और बी की वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये देखिए आपने a और b की वैल्यू निकाली हुई है, a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 अपॉन x, b की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 अपॉन y। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों इसको क्या करिए, थोड़ा सा आप जो है सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर निकल आएगा। जो प्रूफ करना है आपका आंसर निकल आएगा, आंसर आपका आ जाएगा एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस वन, hence proved। तो बच्चों जो हमको प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर लिया। तो आपको ये क्वेश्चंस आई थिंक सारे क्लियर होने चाहिए एनसीईआरटी के जितने मैंने आज क्वेश्चंस कराए हैं। अब आप लोग क्लास में कितने लोगों, मेरे को नहीं पता पड़ रहा है, लेकिन सबको क्लियर होना चाहिए।